प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 नए विवादित कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमारी नीयत साफ थी, पवित्र थी, लेकिन हम शायद समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कमी रह गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि और किसानों की भलाई के लिए तमाम बड़े फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान से पहले किसानों के हितों में किए गए अपनी सरकार के बड़े फैसलों की फहरिस्त भी गिनाई। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सब बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। इसीलिए जब देश में मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया गया, तो हमने कृषि विकास किसान कल्याणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, इस सच्चाई से बहुत से लोग अनजान हैं कि देश में 100 में से 80 किसान छोटे हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसीलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया है। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, साइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा है। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए हैं। इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा है। साथ ही हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया है, इसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए हैं। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले गए हैं। इसके चलते बीते 4 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाएं भी लेकर आए हैं। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, हमने MSP तो बढ़ाई ही, साथ में रिकॉर्ड संख्या में सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हैं। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं से भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसके साथ ही हमने देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आज केंद्र सरकार का कृषि बजट 5 गुना बढ़ चुका है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही हैं। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया और इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा। अब पशुपालन और मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। वहीं मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है हमारी सरकार। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले।
वर्षों से ये मांग देश के किसान, देश के अर्थशास्त्री, किसान संगठन लगातार करते आ रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था, इस बार भी संसद में इस पर चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत और समर्थन किया। मैं आज उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं मोदी ने ये भी कहा कि साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से और नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। उन अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी होती रही। हमने किसानों की बातों और उनके तर्क को समझने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जिन प्रावधानों पर एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। ये सारी बातें देश के सामने हैं। वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य है, कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। MSP को और अधिक कारगर, प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान, कृषि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट होंगे। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देही शिवावर मोहि इहे शुभ कर्मन ते कबू न टरू। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।